साथ में आपका स्वागत है, मैं हूं नीरज। तो आइए, सारे जहां की निंदा करते हैं। बीजेपी मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस दो बातें एक साथ कर रही है। पहली, मैनिफेस्टो कांग्रेस की नकल है, और दूसरी, मैनिफेस्टो एकदम घटिया है। राहुल गांधी को गर्मी लग रही थी, मगर फिर भी वो पंखा नहीं चला रहे थे। कारण, उन्होंने कहीं पढ़ा था, बटन कोई भी दबाओ, वोट बीजेपी को ही जाएगा। मोदी की सरकार बनती है तो युवराज सिंह को विदेश मंत्री बना देना चाहिए। कारण, वो अच्छे से जानते हैं कि दूसरे देशों से संबंध कैसे सुधारे जाते हैं। ये जानने के बाद कि हार के लिए हर कोई युवराज को जिम्मेदार बता रहा है, कई कांग्रेसी नेता हार की जिम्मेदारी लेने आगे आ गए। सोनिया गांधी का कहना है कि बीजेपी तोड़ने का काम करती है और कांग्रेस जोड़ने का। सही बात है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों के पास वेल्डिंग मशीन जो है। सफेद के बजाय राहुल गांधी अपने भाषण अगर अलग अलग रंग के कुर्तों में दे तो कम से कम लोग ये तो बता पाएंगे कि इस बार उनके भाषण में क्या अलग था। एक एक कर लोग अगर यूं ही आम आदमी पार्टी छोड़ते रहे तो इसका नाम आम आदमी पार्टी से बदलकर दो चार आदमी पार्टी रखना पड़ेगा। चुनाव आयोग की नोटिस और मां की डांट में क्या फर्क है? जी हां, मां की डांट को लोग कभी कभार गंभीरता से ले लेते हैं। कांग्रेस जब ये कहती है कि पिछले 5 सालों में बहुत विकास हुआ है तो उसे ये साफ करना चाहिए कि वो जनता की बात कर रही है या अपने मंत्रियों की। मुलायम के इस बयान के बाद कि अगली सरकार तीसरे मोर्चे की बनेगी, सपा के 50 कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया, क्योंकि सुनते ही उनकी हंसी छूट गई। राहुल गांधी का कहना है कि हम लोगों को शक्ति देंगे। इसकी जगह अगर वो ये कह देते कि हम लोगों को शक्ति भोग आटा देंगे तो उसका ज्यादा असर होता। जयराम रमेश का कहना है कि कांग्रेस में चापलूसी की जगह कामकाज को लेनी चाहिए। जी हां, दिग्विजय सिंह और राजीव शुक्ला चाहें तो इसे निजी आलोचना मान सकते हैं। जब भी बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस ने अब तक वाराणसी से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया, केजरीवाल जी अपमानित महसूस करते हैं। श्रीलंका से मिली हार का बदला लेने का बेहतरीन तरीका यह है कि कोलंबो की तरफ मुंह करके राहुल गांधी लगातार 3 घंटे तक चेन्नई में भाषण दिए। चुनाव आयोग के अधिकारी को उस समय चक्कर आ गए जब उसने देखा कि जिस कागज पर रखकर वो झालमुड़ी खा रहा है उसी का एक दिन पहले का जारी किया गया नोटिस है। जी हां, कॉपी पेस्ट का मतलब क्या? अगर कांग्रेस कहती है कि हम गरीबी घटाएंगे तो खुद को अलग दिखाने के लिए बीजेपी ये तो नहीं कह सकती कि हम गरीबी बढ़ाएंगे।